द दराल स्टोरी फिल्म टोरंटो में भी लग चुकी है और टोरंटो ग्रेटर टोरंटो एरिया के ऑलमोस्ट ओवर वन डजन सिनेमा हाउसेस में दिखाई जा रही है इसी गुज़र जाने वाले वीकेंड पर हिंदू फोरम कनाडा ने भी आ, एक स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया मैं उस फिल्म को देखने गया क्योंकि इस फिल्म के बारे में Uh, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ कोर्ट अन कोर्ट सोशल मीडिया पे uh, सुनने को मिल रही थी और uh, बहुत सारी एप्रिसिएशन भी uh, हम तक पहुंच रही थी तो मैंने कहा फिल्म को ख़ुद से देखा जाए इस फिल्म को देखा आ, बहुत बढ़िया फ़िल्म है बहुत ही सेंसिटिव इशू पे है और इस पर मैं मज़ीद खुल के बातचीत करूँगा इसके कई एस्पेक्ट्स के हवाले से बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज ही एएनआई पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप इस फिल्म की हिरोइन अदा शर्मा जी का आ, देखा मैं उसका एक टुकड़ा पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये फिल्म को सभी ने प्रमोट किया है प्रधानमंत्री से लेके कॉमन मैन काफी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं मेरे मूवी में सो सोकोर्स फ्रॉम माई इट बी मोर तो सब इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं यू नो इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म ये शुरुआत है आई डोंट नो अंत कहाँ होगी आई होप वी हैव क्रिएटेड वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टेररिज्म के खिलाफ इसी वीडियो क्लिप में एक्ट्रेस अदा शर्मा ने एक सहाफ़ी एक जर्नलिस्ट नेओमी कैंटन जी का जिक्र किया है उन्होंने कहा कि उनका जो ट्वीट है वो इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें कहता है और वो ट्वीट मैंने भी रीट्वीट किया था और मैं उसके कुछ टुकड़े आपके साथ पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद अपनी कमेंट्री भी शामिल करूंगा और उस ट्वीट के साथ साथ भी मेरी कमेंट्री आएगी तो नियोमी कैंटोन ने बहुत अच्छे अंदाज से लिखा कि जस्ट सीन द मूवी द केराला स्टोरी एट द सिनेमा इन द यूके इट इज़ एन एक्सीलेंट फिल्म डेट प्रोब्स वट व्हेन वुमेन मैरी आइसिस फाइटर्स नॉट सीन एनी फिल्म लाइक दिस टू कॉल इट अ प्रॉपरगेंडा फिल्म इज

खुद प्रोपगेंडा कर रहे हैं बहुत ही उन्होंने बारीक बात की और बिल्कुल दुरुस्त बात की इसमें कोई शक नहीं कि जो कोई भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहेगा वो खुद प्रोपगेंडा कर रहा है इस रियलिटी के खिलाफ अब ये फिल्म बुनियादी तौर पर है क्या या इस फिल्म पे जो एतराज उठाया गया वो क्या था फिल्म बुनियादी तौर पर आइसिस फाइटर्स यानी खिलाफत इस्लामिया के जो सेवेज ब्रूटल लोग थे उन को जो औरतें लड़कियां जा रही थीं जिनको सेक्स स्लेव्स के नाम से पूरी दुनिया जानती है सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड ही उनको सेक्स स्लेव्स नहीं लिखता था टर्की भी लिखता था सीरिया भी लिखता था इवन बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज भी कहते थे तो इस फिल्म में उस बात को हाईलाइट किया गया अब जो भारत के सो कॉल्ड सिविल लिबर्टीज के जो ग्रुप हैं वो इस बात को ले उड़े कि जी ये इस फिल्म में थर्टी या थर्टी टू थाउजेंड की जो बात की है नंबर्स की वो गलत है वो एग्जेजरेशन है भाई वो तो ओवरऑल आइसिस को जो ज्वाइन लोगों ने किया था वो थर्टी प्लस थाउजेंड लोगों ने किया था अब ये कहानी ये फिल्म है ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है ये बात न्योमी ने भी अपनी ट्वीट में आगे जाके की, की है मैं भी इसको इंडोर्स कर रहा हूं बहरहाल ये तीन लड़कियों की कहानी है जिसमें एक क्रिश्चियन लड़की दो हिंदू लड़की और तीनों लड़कियां इस फिक्शनल स्टोरी uh, में जो फैक्ट भी है उसमें एक मुस्लिम लड़की के बहकावे में आके रेडिकलाइज होती हैं कॉन्वर्ट टू इस्लाम होती हैं उनकी कहानी है ये तीन लड़कियों की कहानी है तीन लड़कियां कोई कम नहीं होती एक लड़की भी की भी अगर ये कहानी हो तो वो भी कम नहीं है ये दिल दहला देने वाली मैं इधर कनाडा में बैठा हुआ यहाँ कनाडा से एट लीस्ट फिफ्टी प्लस लड़कियां गई एट लीस्ट और टू हंड्रेड के करीब एट लीस्ट लड़के गए ये वो नंबर्स हैं जो यहां से टर्की गए टर्की से सीरिया गए जो पाकिस्तान चले गए वहां से जहाद का जज्बा लेके अफगानिस्तान चले गए शायद वो नंबर इसमें शामिल नहीं है मैं ऐसी बच्चियों के बापों को भी जानता हूं जिनकी बच्चियां गई एज अ जर्नलिस्ट उन लोगों ने रता किया तो वो लोग भारत में जो ऑल्ट मीडिया टाइप फैक्ट चेक कोर्ट एंड कोर्ट चलाते हैं वो बड़े मुंह खोल के आसानी से बात कर देते हैं कि जी इस फिल्म में झूठ है इस फिल्म में एग्जेजरेशन है आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियन रियलिटीज भारत में तो शायद नंबर भी ठीक से आ, काउंट नहीं होते इतने लोगों का बड़ा देश है चलिए ये तीन लोगों की कहानियां सही जो रियलिटी थी जिसको राइटर ने लिखा जिसको डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया वो फैमिलीज भी मौजूद हैं वो उनमें से एक लड़के का अभी भी जो बताया जाता है केरला में पिज़े का कारोबार है ये तो सिचुएशन है वहां पे ग्राउंड रियलिटी है अब आप सिर्फ नंबर को पकड़ लें और कहें कि नहीं ये नंबर गलत है और ये ऐसा नहीं होता मैं तो अभी इस केराला स्टोरी को लव जहाद के जो इशू है उसके साथ नहीं मिलाऊंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि आ, मिस आ, नौमी कैंटन की ट्वीट को थोड़ा सा और पढ़ूं अब वो लिखती हैं कि इट कूड हैव बीन अ मुस्लिम आर नॉन मुस्लिम वुमेन हु मैरिड दीज आइसिस फाइटर्स मैं इस सेंटेंस पे रुकता हूं थोड़ी सी बात करता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इनको पता है ये जो मिस न्योमी कैंटन है ये बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है मैं इनको ट्विटर पर फॉलो करता रहता हूँ और इनके आ, काम को भी थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ गालबन टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी वाबस्ता हैं ये बिल्कुल ठीक कह है रही हैं ये सिर्फ नॉन मुस्लिम बच्चियों का केस नहीं है ज़्यादातर ये मुस्लिम बच्चियों का केस है अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम बच्चियाँ कैसे रेडिकलाइज होती हैं भाई जो एक नॉर्मल इंसान होता है चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है ये एब नॉर्मल जिंदगी है जहाद पे जाना और ट्रैप होने की जिंदगी है उन बच्चियों को जो मुस्लिम्स भी हैं नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो इनके ट्रैप में आई इन जहादियों के ये एबनॉर्मल ही नहीं एबनॉक्शियस ही नहीं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस ये बिल्कुल जिसे कहते हैं मौत का कुआ वाली जिंदगी है शायद उससे भी खतरनाक और उससे भी बदतर है वो तो भला हो दुनिया की बहुत सारी हुकूमतों का कि इस आइसिस का कला कमा उन्होंने कर लिया ये आइसिस तो अपनी एक रियासत बना चुके हुए थे बगैर किसी बाउंड्रीज के और बगैर किसी यू एन ओ की एक्सेप्टेंस के ये तो आलमोस्ट अपनी रियासत बना चुके हुए थे वैसे इस तरह के नक्शे अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और भी दुनिया में मौजूद हैं और उन इलाकों में अभी भी कहीं कहीं पॉकेट्स हैं लेकिन जो इस फिल्म की रियलिटी पे इतराज़ करते हैं वो ये भूल जाते हैं नॉन मुस्लिम बच्चियों का इशू तो था ही था मगर हजारों मुसलमान बच्चियां इसमें इन्वॉल्व हुई अब लोग पूछते हैं कि नंबर्स क्या थे अब नंबर्स भी रफ हैं हमारे पास अब नंबर्स जो बताए जाते हैं जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, जिनमें अमेरिकन थिंक टैंक है और उसमें एक इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी एक्शन नेटवर्क है वो ये बताती है कि ऑलमोस्ट टू थाउजेंड जो फॉरनर्स थे फाइटर्स जहादी वो इस आईसेस से एफिलियट हुए और उनमें चार हजार सात सौ के करीब लड़कियां थीं कुछ सुड बॉम्बर्स बनी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रही जब वो उस ट्रैप में फंस गई उस मौत के अंधे कुएं में जा गिरी कोई ऑप्शन नहीं रही शायद उन बेचारियों ने ये सोचा कि हम वैसे तो हर मिनट मर रही हैं तो क्यों ना एक ही बार खुदकश बमबार बन के मर जाए ताकि हमारी जान छोटे एनी हाउ वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है कि कितनी सुइसाइड बॉम्बर्स बनी लेकिन ये नंबर्स 4700 प्लस ये एक थिंक टैंक बता रहा है इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी एक्शन नेटवर्क ये हमें बता रहा है कि 4700 के करीब जो आइसिस को ज्वाइन किया अब मैं लव जहाद की जो थ्योरी है उस पर थ्योरी भी है रियलिटी भी है और रियलिटी पे ही वो थ्योरी बनी है। उस पर बात जरा बाद में करूंगा कुछ मैं पार्ट्स न्योमी कैंटन की ट्वीट में से और पढ़ता हूं आप आ, जैसा कि सुन रहे हैं द स्टेटमेंट द गेट इज द सेम प्रॉमिस पैराडाइज एंड देन एंड वेन दे गेट टू सीरिया They are raped, have all their freedoms and passports removed, are trapped and regretted unless they are heavily radicalized like Shamima Begum and willingly take up ISIS militant roles. This film is entirely about the dangers that ISIS poses to everyone. It happens to focus on two Hindus and one Christian girl in India who get groomed and radicalized to convert to an extremist islamist ideology it shows how this is done which is important it is a film not a documentary so is inspired by what happened to three girls in kerala not claiming to state their exact stories i hope some journalists in kerala have gone to interview the families of these girls also hope the police are now trying to arrest the man who radicalized these women one of them is still in kerala apparently running a pizza parlor i had no clue that uh, that even one hindu girl had gone to join isis from india one alone is shocking it is good the film showcases the truth of what happens when people do join such terror outfits and get radicalized. What is propaganda is not this film, but the methods ISIS used to radicalize people which the film exposes. Ye hai unki tweet I almost उस सोशल फैब्रिक की तरफ जो लव जहाज से है देखिए इंटर फेथ या इंटर रिलीजियस मैरिजेस पूरी दुनिया में होती हैं हमारे कैनेडा में भी होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं अपरेंटली देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट लेकिन रॉन्ग क्या होता है कब होता है रॉन्ग तब होता है कि जब किसी एक रिलीजन की तरफ से कोई पार्टी यह कहे फोर्स करें कि आप कन्वर्ट हो जाए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे इधर कैनेडा में एक दोस्त हैं मेरे उम्र में बड़े हैं उनके बच्चे भी अब ब्याह जा चुके हैं मुझे एक दिन बड़े फ़खर से बताने लगे कि कुछ साल पुरानी बात है दस बारह साल पुरानी बात है मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी यानी उनकी मिसेस जो हैं वो हिंदू हुआ करती थी और फिर उनका मेरे से प्यार हो गया और वो मेरे से प्यार में वो कन्वर्ट हो के मुसलमान हो गई तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा शाह साहब मैं उनका नाम यहाँ पे वो असल में नहीं ले रहा लेकिन मैंने उनको कहा मैंने कहा उनके नाम का किस्सा शाह साहब है ये कॉमन नेम है इसलिए मैं कॉमन लास्ट नेम शॉर्ट ऑफ थिंग है मैंने उनसे कहा मैंने कहा शाह साहब ये जो प्यार था ये वन वे ट्रैफिक होता है यानी आप मुस्लिम हैं तो उनको ही कन्वर्ट होना है आप भी तो कन्वर्ट हो सकते थे इसका मतलब यह है शाह साहब मैंने उनसे कहा कि आप को प्यार नहीं था उनसे जो आप कन्वर्ट नहीं हुए और इसका तीसरा सलूशन भी था ना आप कन्वर्ट होते ना वो कन्वर्ट होती आप दोनों ट्रू सेकुलर जिंदगी भी गुजार सकते थे और जो ट्रू सेकुलर जिंदगी है वो भारत वाला सेकुलरिज्म नहीं है जो ट्रू सेकुलरिज्म होता है जो फ्रांस से निकला और जिसकी डेफिनेशन फ्रांस की डिक्शनरी में बनी वो वाला सेकुलरिज्म भारत वाला जो सेकुलरिज्म फ्रॉड वाला रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा तो मैंने शाह से कहा मैंने कहा शाह आप बड़े मुझे फखर से कह रहे हैं कि वो जो आपसे जिनको प्यार हुआ था वो आपके प्यार में मुसलमान कन्वर्ट हो गए वो साहब कैनेडा में रहते हैं उनके बच्चे भी बिहेही जा चुके हैं और ये एक केस नहीं है मैं एट लीस्ट ऐसे एक डजन से ज्यादा जोड़ों को जानता हूं एक दर्जन से ज्यादा जोड़ों को जानता हूं वो तो सिर्फ मैं जानता हूं जो एग्जिस्ट करते होंगे कैनेडा में आई आई कैन एस्टिमेट जर्नलिस्टिकली के लिए मैंने इधर उधर से चेक किया है कपल हंड्रेड्स होंगे जो सिर्फ मैं मुस्लिम हिंदू के बात कर रहा हूं या अदरवाइज जो हमारे कैनेडियन क्रिश्चियंस हैं या और जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं हजारों की लेकिन मैं ये उनसे जब ये पूछने लगा तो वो उनका चेहरा लाल हुआ कहने लगे कि नहीं आपको पता है ताज साहब आप भी पाकिस्तान में पैदा हुए मुस्लिम घराने में पैदा हुए इस्लाम तो सच्चा दीन है यही बात ये फिल्म कहती है यही बात इस फिल्म की वो जो एक करेक्टर है मुझे उसका नाम बोल रहा है जो मुस्लिम लड़की है गालबन फातमा था वट जो उन तीनों बच्चियों को फिल्म में फिक्शन में रेडिकलाइज करती है ये बात मैं यहाँ शाह साहब से दस बारह साल पहले सुन चुका हूं यह एक माइंड सेट है मैंने कहा कि जो इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस उनके पीछे कोई हिडन एजेंडा ना हो अच्छा ना भी हिडन एजेंडा हो जैसे वो शाह साहब हैं शाह साहब का मैं कह सकता हूं कि उनका हिडन एजेंडा नहीं था कोई उन्होंने जहाज पे लेके नहीं जाना था लेकिन यह बात तो तय है कि शाह साहब कि मन में यह बात क्लियर थी कि अगर मेरे से इन्होंने शादी करनी है तो इनको मुस्लिम कन्वर्ट होना ही होगा क्योंकि इस्लाम जो है वो द ओनली बेस्ट रिलीजन है मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम बुरा रिलीजन है मैं ये कहता हूं कि सारे रिलीजन जो है उनकी रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए मैं यहां पे रिलीजन की वो उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन यह तो एक प्रिंसिपल है ना कि कैनेडा जैसे देश में भी आप कहें कि मेरा दीन मेरा जो है वो बेस्ट है चलिए आप सोच लें ऐसा सोचने में तो पाबंदी नहीं है लेकिन यह भी एथिकल नहीं है ऐसा सोचना भी एथिकल नहीं है अगर लॉ नहीं है मगर यह लॉ जरूर है कैनेडा में कि आप अपना रिलीजन दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते कोई मुझसे सड़क में कैनेडियन लॉ के मुताबिक यह नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा रिलीजन क्या है खैर तो लव जहाज जो है वो अब एक साइकी यही है अनफॉर्चुनेटली कि जो मुस्लिम समाज से चाहे वो भारत में रहने वाला मुस्लिम समाज हो चाहे वो कैनेडा में रहने वाला हो जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है उसकी प्राइमरीली यही होती है कोशिश कि भले से वो लव जो है वो सेकुलर हुआ था बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में सोशल गैदरिंग में हो जाता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन लेकिन उसके बाद पेरेंट्स की और उस मुस्लिम बच्चे या बच्ची की यह ख्वाहिश जरूर होती है कि ये कन्वर्ट हो जाए अब उसके बाद जो लव जहाद वाली जो बड़ी एक्सट्रीम सूरत है जो आइसिस की सूरत में हुई वो तो एक एक्स्ट्रीम सूरत है मैं उससे ज़रा कम एक्सट्रीम सूरत बताता हूँ और वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है वो एक्स्ट्रीम सूरत ये होती है कि अब हम नस्लें बदल देंगे हम गैर मुल्की गैर नॉन मुस्लिम बच्चियों को खासतौर पर लड़कियों पर ज्यादा लगता है हम नॉन मुस्लिम बच्चियों को ब्याहेंगे और हम नस्लें बदल देंगे ये एजेंडा तो साफ होता है चलिए इससे भी जरा लीस्ट हार्मफुल एक और एजेंडा भी होता है कि चलिए वो ये ना कहें नस्लें बदल देंगे हम ये तो पक्का होता है कि कन्वर्ट कर देंगे यानी जो लीस्ट हार्मफुल भी है वो भी ह्यूमैनिटी की नज़र में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि यह जो रवैया है ये जो जज्बा है ये बुनियादी तौर पर ही ह्यूमैनिटी के खिलाफ है मैं जानता हूँ भारत में मेरे सैकड़ों दोस्त ऐसे हैं जो जिनकी इंटर रिलीजियस मैरिजे हुई हुई, हुई हैं या तो खातून मुस्लिम होती हैं या बंदा मुस्लिम होता है आदमी मुस्लिम होता है और वाइस वर्षा उधर खातून हिंदू होती हैं या सिख होती हैं या क्रिश्चियन होती हैं या जो लड़का है आदमी है वो क्रिश्चियन या हिंदू या सिख होता है इस तरह के हज़ारों जो हैं एग्जांपल्स भारत में हैं और उनमें से बहुत सारे एग्ज़ैम्पल्स जो हैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सेकुलर ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो एक दूसरे के ऊपर धर्म को इम्पोज नहीं करते जो एक दूसरे को कन्वर्ट नहीं करते मैं जानता हूँ ऐसे हजारों परिवार भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में हैं बल्कि चंद लाख भी होंगे तो मुझे कोई उसमें शौक़ नहीं होगा दर्जन भर तो मैं ही जानता हूँ बल्कि दर्जन वर्गया पच्चीस तीस तो मैं ही जानता हूँ अपने क्लोज सर्कल्स में एंड दे आर लिविंग वंडरफुल सेकुलर लाइफ्स अपनी अपनी धर्म की जो कन्विक्शन हैं वो भी साथ चल रही होती हैं या बिल्कुल नहीं होती लेकिन वो चल रही लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे भी हजारों लाखों केसेस हैं भारत में जहाँ कन्वर्जन कंपल्सरी होती है और जब कन्वर्जन कंपल्सरी होती है तो फिर वो वन वे होती है वो फिर इस्लाम में ही कन्वर्ट होना होता है किसी और में कन्वर्ट होने का चांस नहीं होता वो बहुत कम चांस होता है होंगे कोई दो चार केस तो ये एक रियलिटी है ये लीस्ट हार्मफुल है अपरेंटली मगर ये भी सोशल फैब्रिक को और ह्यूमन एथिक्स को बर्बाद कर देने के लिए बहुत काफी रवैया है ये रवैया भी अच्छा नहीं है जो लीस्ट हार्मफुल है और इसके ऊपर के लेवल का जो है कि हमने नस्लें बदल देनी है वो तो इंतहाई घटिया रवैया है इंतहाई गठिया माइंड सेट है और उसके ऊपर ये जो जहादी स्लेव बनाने का जहादी सेक्स स्लेव बनाने का जो रवैया है ये ऐसा नहीं कि आईसीस के खत्म हो जाने से आईसीस अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई बाई दबे अभी भी उनके रेमिनेंट्स दुनिया में पड़े हुए हैं और भारत में भी उनके सपोर्टर बैठे हुए हैं वो जो रवैया है वो तो क्राइम है वैसे तो पिछले दो रवैये भी क्राइम है मगर वो एक हाईएस्ट लेवल का क्राइम है और उसको डील करना होगा यूएनओ को करना चाहिए अगर ना भी कर सकें तो करना चाहिए अदरवाइज़ पूरी दुनिया को मिलकर इस कैंसर से नजात हासिल करना होगी और केरला स्टोरी जो मूवी है वो उसी रियलिटी की हमें स्टोरी सुनाती है और ये फिल्म देखने के लायक है ज़रूर देखने चाहिए और इस फिल्म के देखने के बाद और भी कई सारी बहसें जन्म लेंगी और हम भी टैग टीवी पर इन मौजूद पर खुल के बातचीत करते रहेंगे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकें डोनेट कर सकें तो इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पेट्रियन पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप हमारी एप्स भी डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड एमज़ोन एप्पल और रॉको पे और यू कैन वॉच अस थ्रू आर एप्स ट्वेंटी फोर सेवन थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज टैग टी वी कमेंट्री विद में